वेलकम बैक टू माय चैनल बी क्रिएशन। सो बेसिकली आपने टाइटल से अगेन रीड कर लिया होगा, ये अनदर कुकिंग वीडियो होने वाली है और वो भी नवरात्रि स्पेशल मोमोज रेसिपी। वैसे मैंने एक बार मोमोज बनाए थे पास्ट में, आई थिंक जब मैं स्कूल में थी। सो जब मैंने स्कूल में बनाई थी, बट हाँ ठीक है, अच्छे बने थे मोमोज। एंड एक दो बार और भी बनाया था, ट्राई किया था जब शायद कोविड लॉकडाउन के टाइम पर। सो आज फिर से मेरा मन किया कि यार नवरात्रि चल रहे हैं, बाहर का तो बाहर मिलते हैं जो भी, मतलब बिना अनियन और बिना गार्लिक के कुछ जगह अवेलेबल हो गए हैं, बट फिर भी मैंने प्रेफर नहीं किया। मैं सोचा घर पे बनाते हैं, थोड़ा हेल्दी रहेगा। एंड मैं ये वीडियो आज संडे को ही शूट कर रही हूँ, आज ही मैं ये अपलोड कर दूँगी, बिकॉज 2 वीक्स से मैं थोड़ा सा अनवेल फील कर रही थी, जिसमें से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। मैंने पॉडकास्ट डाला था जस्ट बिकॉज मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं अभी कुछ शूट कर पाऊँ प्रॉपर एज अ वीडियो फॉर्म। सो दैट्स वाई आई पोस्टेड अ पॉडकास्ट, बट मुझे पॉडकास्ट भी करना था और फाइनली वो हो गया। चाहे अनवेल्दी आई एम सॉरी माई वॉइस, क्योंकि कोल्ड है, सो दैट्स वाई थोड़ी सी वॉइस ऐसी लग रही होगी, बट आई होप यू डोंट माइंड एंड यू विल इन्जॉय दिस वीडियो मोमोज रेसिपी। अगर आपको मोमोज पसंद है तो आपकी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और लाइक तो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, कर दो। इतनी अनवेल होकर भी इतनी लेजी करके भी मैंने ये वीडियो बनाने की सोची थी, अच्छा चलो बनाते हैं। Let's get started. एंड ये है हमारे टमाटो। सबसे पहले हम आपको चटनी प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें टमाटोज को बॉयल करना है। तो यहाँ से कुछ कट लगा के एंड चिलीज के साथ बॉयल करना था। वीडियो बनाओ मैं कुकिंग की और कुछ ना कुछ छूट ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इस बार मेरी चिलीज छूट गई है एंड देखते हैं कैसे बनाएंगे। बाकी चलो देखते हैं, इस टमाटो को सबसे पहले बॉयल करने रख देते हैं। एंड मीन वाइल मैंने बाकी सब चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हैं, लाइक मैंने वेजिटेबल्स छूट करके रखी है, लाइक यू कैन सी इन दिस क्लिप और इन नेक्स्ट क्लिप। तो आपको नेक्स्ट क्लिप में देखने को मिलेगी कि मैंने कैसे प्रॉपर चॉप कर ली थी। और कुछ भी वेजिटेबल्स हो, अगर आपके कैबेज है, कैबेज तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर वेज मोमोज है, बट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप सोयाबीन यूज़ करो इंस्टेड ऑफ दैट टू जस्ट मेक सोया लाइक व्हाट न्यूट्री मोमोज। सो यू कैन यूज दैट, मेरे को वो भी पसंद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट मेरे पास थी कैबेज, तो कैबेज एंड बीन्स एंड कैरेट, ये तीन चीज़ें मैंने बेसिकली चॉप करी है। तो आप एक बार चेक करो नेक्स्ट क्लिप में एंड देन आगे बढ़ते हैं इसकी को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है जिसे उबालने रख दिया बॉईल करने, एंड टमेटोज ले लिया है एंड इसको हम कट करेंगे, जो कि आपको याद है हमने बर्गर वाली वीडियो बनाई थी या ट्राइंग सम वायरल रेसिपी, जैसे उसमें हमने कट किया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, बिल्कुल सेम तरीके से हमें इस टमेटोज को ऊपर से कट करना है हल्का सा, सो दैट बॉईल करना ईजी हो जाएगा एंड पील करना जो इसके छिलके होते हैं वो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने टमेटोज के साथ खेल भी लिया है क्योंकि मुझे टमेटो खाना बहुत पसंद है। तो क्लिप, तो टमाटो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, मैंने निकाल लिए हैं, इनकी स्किन निकल रही है, इट मीन्स ये बॉयल हो चुके हैं। तो एंड उसके बाद मैंने इसे फटाफट से पीस भी लिया है मिक्सी में। तो अब मैंने बाउल ले लिया है, चम्मच ले लिया है, क्योंकि अब हम फटाफट डो प्रिपेयर करेंगे एंड उसके लिए मैंने इसमें मैदा डाला है, बहुत सारा डाला है और डालती गई हूँ मैं। एंड देन मैंने सॉल्ट ऐड कर लिया है, प्लस इसमें कुछ ऑयल ऐड कर लिया है। देन हम इसमें डालेंगे पानी, वाटर, जो धीरे धीरे डालेंगे एंड उसको राउंड 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 हिलाते रहेंगे। तो अब इसे थोड़ा राउंड राउंड हिलाएंगे, कभी उल्टा कभी सीधा, जैसे मर्जी घुमा सकते हो, एज योर विश। एंड देन लास्ट में इसको थोड़ा सा मुक्की मारनी है, एक दो मैक्सिमम, एंड उसके बाद उसे बस एक शेप दे देनी है, जो बन गया हमारा प्रॉपर आटा, जो दो बनने तक बन गई। सो इस तरीके से मैं अपना आटा प्रिपेयर करती हूँ जब भी मुझे जरूरत पड़ती है, टाइम लगता है लेकिन ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी में बना सकते हैं हम। तो फटाफट से कढ़ाई ले लेनी है, उसमें हम ऑयल डालेंगे, जिंजर डालेंगे, देन कैबेज, कैरेट एंड देन लास्ट में हम उसमें बीन्स डाल देंगे एंड जो भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो, सोते तक थोड़ा सा हम बस सोते करना। एंड इसमें मैंने नमक डाला है, स्पाइस डाली है, तो आप कोई भी डाल सकते हो स्पाइसेस इसमें, मसाले, एंड देन सोया सॉस डाला जो पूरी ऑप्शनल है। मैंने देख लिया होगा हमने आटा कैसे गुना, निंजा टेक्निक देखी होगी, तो ये मेरी कुछ पर्सनल सी निंजा टेक्निक थी, जुगाड़ था, निंजा आटा नहीं था गुनना बिल्कुल भी, मम्मी अम्मी से गुनवाती थी जब देखो। तो अब हमने ये मैदा और आटा जो है घूम तो लिया है, अभी हम इसके जल्दी से राउंड राउंड बॉल्स बना लेते हैं, यानी क्या बोलते हैं टेढ़े टेढ़े बना लेते हैं।
तो उसके बाद हम इसको मोमोज की शेप में बट उसको पहले बोटी की तरफ भी होंगे दैन उसके बाद मोमोज की शेप देंगे। और मैंने कुछ यूट्यूब से नई नई बहुत सारी देखी थी शेप्स अलग अलग टाइप की, तो मैं ना आज कोई नई शेप ट्राई करूँ, मुझे वो गोल राउंड राउंड वाली होती है ना ऐसे दिखाऊंगी, बट वो जो होती है ना मुझे वही आती है बाकी नहीं आती। तो मैंने यूट्यूब से देखी है तो मैं ट्राई करूँगी, अगर बन जाती है फिर मैंने कोई नहीं बनती तो कोई नहीं, तब तक हम जल्दी इसको बना लेते हैं राउंड राउंड शेप्स के बॉल्स। ये हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, मैंने ऐसे ही सारे बॉल्स बनाते हैं फटाफट से। तो कुछ इस तरीके से गोल गोल शेप दे दिया। मेरे पास है ये कुछ पूरी मिलकर करके होता है जो भी है हमारे पास पड़ा है, इसी पे मैं बनाने वाली हूँ मोमोस के लिए, बनने के मन नहीं है और तो मैं जल्दी से इसको इसमें रखूँगी तो पूरी मेकर ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे आखिरकार बेलना ही पड़ा एंड मैंने बेलकर बनाया तो मैंने बड़े बड़े मोमोज बनाए बहुत अच्छे लग रहे थे। वो कोई अदर शेप नहीं दे पाई तो मैंने शेप राउंड ही रखी। सो तो उसके लिए मैंने जुगाड़ करा और जुगाड़ आप सबको दिखाती हूँ मैं क्या है, क्योंकि यार मैं कौन से मोमोज डेली बनाती हूँ या मैं कौन सी इडली डेली बनाती हूँ तो फिर हमने खरीदा ही नहीं। मैंने करा है पानी डाल दिया नीचे एंड ये स्टैंड रख दिया, इसके साइड में भी मोमोज रख सकते हैं बट मेरे पास है ये प्लेट सी कुछ एंड आई विल पुट इट इन थोड़ा सा सो दैट स्टीम, इसमें हम अपने मोमोज रखेंगे। मैंने ऑयल डाल दिया, जिंजर डाल दिया है एंड ग्रीन चिली डाल दी जो यहाँ पर एक्चुअली नहीं थी एंड जो ब्लाइंड की हुई प्योरी थी टमाटो प्योरी वो भी हमने डाल दी है, बॉयल करने दिया है एंड उसके बाद जब तक इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी ना हो जाए पकने दिया है। देन मैंने इसमें देगी मिर्च का तड़का मारा है क्योंकि थोड़ा रेड कलर चाहिए था एंड लुक एट दिस रेडी टू ईट चटनी बहुत अच्छी बनी थी, मज़ा आ गया। सो सर्व करने का थोड़ा यूनिक तरीका था, मैंने बटर थोड़ा मेल्ट कर लिया था एंड उसको थोड़ा स्प्रेड करके उस पर चिली फ्लेक्स डाला, ये मैंने शॉप वाले भैया से आइडिया चुराया है तो वहाँ का आइडिया। तो गाइस लुक एट दीज मोमोस, बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बहुत अच्छे बने हैं, लेट्स टेस्ट, लेट्स हैव अ टेस्ट। तो गाइस मेरे मोमोस रेडी है, जैसे कि आपने पूरी क्लिप में देख लिया है बहुत टेस्टी लग रहे हैं मेरी सॉस मोमोस एंड प्रेजेंटेशन लाइक दिस। हमारे मोमोस रेडी है, ये रहे अब हम इनको जल्दी से दे देते हैं। तो ये लो मोमोस ट्राई करो मेरे मामे, ले रहा हूँ इसको करो राम से करो पूरा नंबर नंबर साढ़े तीन में पास हो गई। दीदी को भी आया आज तो बोल दे सकते बोल बोल अच्छे बने कितने नंबर चार। ओ मैं पास हो गई, देखा मैंने कहा था मैं स्ट्रीट फूड अच्छा बनाती हूँ। अब इतनी मेहनत देख ली है तो जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना मत भूलना अपने फेवरेट वंस के साथ चाहे वो फैमिली मेंबर हो फ्रेंड्स, जल्दी से शेयर कर दो एंड कमेंट करना अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगा या आपने भी मोमोज ट्राई करो या आपने भी ऐसे जुगाड़ करो जैसे मैंने करा था, दो आपने पूरे वीडियो में देख लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में पूरा बोल दिया अगर अच्छा चलता।
चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब करनी है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अब इतनी मेहनत देख लिया तो